तो आज तेजी बनी है, हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी है। इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए भी स्टॉक्स काम कर रहे हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये निफ्टी के आज टॉप गेनर से तीन के तीन शेयर। लेकिन इस तेजी के पीछे क्या वजह है और जो भी ट्रिगर्स हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, क्यों चमक रहे हैं मेटल्स आज? जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। पांचवें दिन लगातार हम गेन्स देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। नैल्को, हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम प्लेयर्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स के सबसे बड़े गेनर्स के लिस्ट में आते हैं। चाइना रीओपनिंग की बातें चल रही है और उसी के चलते चाइनीज डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं। यही वजह है मेटल प्राइसेस में अपटिक देखने को मिल सकता है और मेटल स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है मेटल स्टॉक्स पर आज सुबह, जहाँ उन्होंने कहा कि 2023-2022 के जैसे ही रह सकता है, जिसका मतलब यह होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग दिखेगा लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते ग्लोबल मेटल प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को दिखाई दे रहा है और यूरोपियन डिमांड एक्सपेक्टेड थी कि काफी वीक होगी लेकिन उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। इसी के चलते उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने कहा कि 2022 में जैसे वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी वैसे ही वॉलेटिलिटी 2023 में भी देखने को मिलेगी स्टॉक मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के बारे में इन पर्टिकुलर बात की है, जहां उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस सस्टेन कर सकते हैं और स्टील सेक्टर में अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना HRC एक्सपोर्ट प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा और स्टील स्पेस से टाटा स्टील और सेल उनके टॉप पिक्स है। उन्होंने एल्यूमिनियम प्राइसेस की भी बात की है, जहां उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अपटिक देखने को मिलेगा और इंडियन एल्यूमिनियम जो स्टॉक्स है नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता, उसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चाइना रीओपनिंग एक बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड हो सकता है जिसके चलते डिमांड और प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा। शुक्रिया शेषा। तो एक अच्छी रिपोर्ट मेटल सेक्टर को लेकर जेपी मॉर्गन की, और चाइना रीओपनिंग, अमेरिका में ब्याज दरों में पहले के मुकाबले कम बढ़ोतरी, ये एक ट्रिगर होगा और FY24 से कंपनियों की जो बैलेंस शीट होगी यहाँ से और मजबूत होगी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज भी मेटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग हो रही है और जो पसंद है जो स्टॉक्स स्टील में, टाटा स्टील, सेल, NMDC, ये पसंद है। इसके अलावा अगर हम स्पेशली एल्यूमिनियम को लेकर भी उन्होंने अपने पिक्स बताए हैं। वेदांता, नाल्को जैसे शेयर भी यहाँ से अच्छा कर सकते हैं।